वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम के साथ। हम आपके साथ दोबारा से वापस आ चुके हैं, खा पी चुके हैं और गप्पे शप्पे लग रही हैं। अच्छा, हॉबीज क्या हैं? फ्री वक्त में, फारिग टाइम में क्या करते हो घर पे? आजकल तो फारिग टाइम है नहीं, फारिग टाइम होता था ज्यादा वीडियो गेम्स खेलता था। घर में भी ऐसे हंसता हंसाता रहता है सबको, मस्ती मजाक ऐसा ही करता रहता है? बहन भाइयों से अटैचमेंट है काफी? बहुत ज्यादा। मैं नेचुरली ऐसा हूँ, मतलब मैं प्रिटेंड नहीं करता। नहीं, मेरे को होता है ना कि टाइम क्या होता है कि आप बाहर घर में खामोश होते हैं। हाँ, ये यू राइट कि प्रिटेंड नहीं करता हर जगह। वॉशरूम में भी हम शोर के तुम अपने आप से बातें कर रहे होते हो, गाने गा रहा हो तो वॉशरूम में बातें कर रहा हो। आपको अपनी बेटी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं क्या। सबसे बुरी बता दे। चलो सबसे बुरी बात बता दे। वो इसको ऑफ द रिकॉर्ड बता दे रहा कहीं ये वो वाली बात तो नहीं है। वो वाली बात नहीं है। बस अच्छी बात इसकी ये है कि केयरिंग है, ख्याल रखता है बहुत, हर चीज के बारे में सोचता है। मतलब अबू बीमार हो उसके बारे में, किसी बहन का कोई मसला है इस तरह, तो ये बहुत डीपली सोचते हैं। ये सिर्फ उस वक्त सीरियस होते हैं जब किसी चीज़ के बारे में इतने डीपली सोचना बस, बाकी ये हंसते रहते हैं घर में। जब कोई काम सीरियस करना हो फिर मैं सीरियस होता हूं। नहीं, नॉर्मली मैं इजी होता हूं। इसकी शक्ल भी ऐसी नहीं होती, शक्ल भी बड़ी खतरनाक सी हो जाती है जब सीरियस सोचता हूं। कौन सी ऐसी आदत है बदलना चाहती है? बस ये जरा संजीदा हो जाए। इतना संजीदा क्या है फिर? मैं जिंदगी के मामले में संजीदा हो जाए। अब जैसे शादी का मामला है, शादी कर लो अब। हाँ, हाई टाइम। तो मैं करना चाहता हूँ। तो कर लो ना शादी, कर लो। अम्मी भी राजी है। अम्मी मैं ब्रेक में ये बातें करी थी कि अम्मी ने लड़कियां भी दिखाई हैं और देखी भी हुई है। आप ऐसा करें, आप शादी करें तो यू विल बी फोकस, शी विल बी हैप्पी, शी नीड्स अ बहु एंड आपके बच्चे खिलाएंगे तो फिर घर में बच्चे हमारे पेट पे आएंगे। खामोशी खामोशी होती है। आप हाँ कर दो, लालच दी जा रही है। नहीं, वैलेंटाइन डे पे, वैलेंटाइन डे पे फिर बीवी होगी साथ, बच्चा होगा। ओह नो, ओह कह रहे हो नो, वो तो घबरा गए जैसे। दो तस्वीरें बड़ी मजे की हैं और आंटी बता रही थी कि बॉडी बिल्डिंग बचपन से शुरू कर दी और फिर इतना आगे पहुंच गया। जब हमने कहा सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह किया करें जरा, बस कोशिश मेरी होती थी कि ये बाहर ना घूमे फिरे ना, ये इस तरह करें कि मतलब किसी चीज में ये इन्वॉल्व हो इस तरह, किसी पॉजिटिव इस तरह से। तो हमने उधर लगा दिया, तो ये इसकी जो आदत है जिस तरह के ये इंतहा लग जाता है, तो ये फिर उसमें गया तो इस हद तक गया कि इसने मुकाबले जीते, बड़ी मेरे पास ट्रॉफियां वो चीजें पड़ी, कई मिस्टर पाकिस्तान तक चला गया। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर क्या मिस्टर पाकिस्तान जीते फिर? मैं डिवीजन चैंपियन रहा। अच्छा, फिर इसके वाले साहब ने कहा, मुझे कहते हैं ये तो कहाँ चला गया, इसको हमने बॉडी बिल्डर तो नहीं बना लगे। छोटे वाले भाई को भी इसने कराया। हाँ, एक दफा लग गया तो लग गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल के आई और आप पहली दफा के शो में आए हैं। आई फील ऑनर्ड। थैंक यू बबरे, किसी तरह खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो और जल्दी से शादी कर लो। इस साल कर ही लेनी है, बस डन हो गई बात। नेक्स्ट ईयर तुमने शादी ना की तो मैंने तुम्हें कहना कि नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइन पे आपको बुला लें। इंशाल्लाह कर लेनी है, खत्म कर लेनी है, इंशाल्लाह कर लेनी है। देखो अम्मी को भी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच आंटी, अपना आप बहुत ख्याल रखें, अपना टेक केयर जी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। शो एंड करने से पहले कल का शो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज स्पेशल शो और बहुत ही स्पेशल शो है। मैं चाहूँगी आप ज़रूर कल का शो देखें जनाब। और उसके साथ साथ जी हमारा हम टेलीविजन नेटवर्क का नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हो रहा है, पलकों की छाँव, पलके क्यों नम हुई। 26 मई से हर थर्सडे को ठीक रात 8 बजे सीरियल में स्टार कास्ट जो है मैं आपको बता दूँ, महरीन राहील, फहाद मुस्तफ़ा, इमरान पीरज़ादा, सीनी राहील, दीप्ति, निमरा बुच्चा और सकीना सुमो। बहुत ही मजे के आप प्रोमोस देख रहे होंगे फहाद के, वो क्लिकिंग करते हुए, और बड़े अच्छे मुझे इंटरेस्टिंग प्रोमो लग रहे थे। प्रोमोस से चल रहे हैं और ये प्ले शुरू स्टार्ट होने वाला है, प्रोड्यूस बाय ममीना दुरैद और लिखा है जी समीरा फजल ने, और उसकी डायरेक्टर जो हैं वो हैं रूमी इंशा। तो पलकें क्यों नम हुई देखना ना भूलिएगा, हर थर्सडे 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, आप जरूर देखिएगा जनाब। कल
आपने शो मिस नहीं करना. सो आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह. सामने आई तो न लब खोल पाया ना मैं उसे कह सका जो दिल में था. उसकी मासूम आँखों में जो बसा प्यार था मेरे लिए उसे नाम क्या देता भला. मैं था है से मत कहना कि तुम मुझसे मिली थी. लेकिन आप भी वादा करें कि आप भी जल्दी आ जाएंगे. बेखबर थे जमाने से हम तुम्हें जाना तो पहचाना हम कितने अनजान थे जी रहे. कर जाते वरना डूब के कहीं राहों में खो जाते हम. वो अनजाना सा रक्त था तुम्हारे मेरे दरमियाँ बना था.